गाइस वेलकम टू माय चैनल लिप लव एंड लाफ विद रैना। तो गाइस आज मैं जो आईलाइनर का एक ट्यूटोरियल दूंगी तो उसके लिए मैंने जो यूज़ किया है वो है ये स्केच लाइनर लैक्मे का है और ये है लिक्विड लाइनर जो है एन वाई बे का एंड दे बोथ वर्क अमेजिंग। हमारा फर्स्ट है ड्रामा लाइनर, उसके लिए मैं पहले लाइनर से ऊपर से एक देख लूँगी कि मुझे कहाँ से कहाँ ले जाना है, फिर आई पे आई जो आई लाइनर है मेरे पास उसके लिप्स मैं एक मार्क कर लूँगी और फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी तो उससे गलती नहीं होती और फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करके एक प्रॉपर सब विंग का शेप दूँगी तो ना इससे बहुत एक हैवी और बहुत अच्छा लुक आ जाता है हमारा। तो इस मोटा मोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा ब्लैक ब्लैक। तो मैं आगे की तरफ जो है ना वो पतला थोड़ा रखूँगी और साइड से थोड़ा सा विंग दूंगी ना तो हैवी लुक आएगा और बहुत अच्छा सा ये लुक आता है इसको, क्योंकि एक्चुअल में ड्रामा लाइनर कहलाता है। तो आई जस्ट लव पुटिंग दिस टाइप ऑफ लाइनर। तो फिर मैं इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करूँगी और एक पतला सा ना अच्छा सा बनाऊँगी लाइनर। तो ये है हमारा एक ड्रामा और ये बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। इसको मैं डार्क करने के लिए लिक्विड लाइनर लूँगी तो उससे बहुत एक अच्छा मैट लुक आ जाता है। तो मैं इसे एक फिनिशिंग दूंगी और फिर हमारा लाइनर बिल्कुल रेडी है और इससे हमारी जो आईज़ है ना वो बहुत खिली खिली लगती है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है, बिना मस्कारे की भी अच्छी लगेगी। उसके बाद मैं एक नॉर्मल लाइनर बनाऊँगी। तो नॉर्मल लाइनर के लिए हमें सब कुछ हमेशा हर लाइनर में एंड से स्टार्ट करती हूँ तो एक इससे एक शेप मारा जाता है कि हमें किधर से किधर ले जाना है। आगे की तरफ मैं थिन रखती हूँ हमेशा ताकि आईलाइनर बहुत हैवी ना लगे, तो आगे की तरफ मैं बिल्कुल पतले ही रख रही हूँ और साइड से मैं बिल्कुल हल्का सा मोटा की हूँ तो इससे भी बहुत एक अच्छा लुक आ जाता है। और ये मैं विंग नहीं रखती हूँ तो आगे से मैं इसको एकदम अच्छे से फिनिशिंग दूँगी। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगी और एक बार टच दूँगी, थोड़ा सा डार्क करूँगी क्योंकि डार्क लाइनर्स ना अच्छे लगते हैं, ऐसे बहुत अजीब लगता है तो मैं डार्क ही लगाती हूँ। तो डार्क मैं थोड़ा सा कर रही हूँ उसको। द नेक्स्ट लाइनर इज अ विंग लाइनर। तो ये थोड़ा सा हैवी विंग होता है, ज़्यादा नहीं होता है पर एक अच्छा सा कैट आई लुक देता है। तो इसके लिए मैं पहले एंड से स्टार्ट की हूँ, एंड से एक शेप दे दे रही हूँ कैट आई वाला, थोड़ा सा विंग है और फिर आगे ले जाऊँगी ना तो थिन रखूँगी, आगे थिन रहेगा और बस साइड से ही थोड़ा सा मोटा सा रहेगा ना। तो आगे की साइड मैं इसको ले जा रही हूँ और आगे से ही इसको टच दूँगी और आगे की तरफ हल्का सा पतला करूँगी क्योंकि फिर आगे भी ऐसे थिक थिक रहेगा और पीछे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक प्रॉपर शेप देने के लिए मैं आगे को थिन रखती हूँ, पीछे को मैं थिक रखती हूँ मतलब मोटा रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा हल्का सा ख़राब हो गया था तो मैं इसे बराबर कर लूँगी और आप लोग बिल्कुल घबरा जाते हो तो इसको आगे से बस थोड़ा सा हल्का सा शेप देंगे तो तुरंत ही सही हो जाता है।